ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। नए साल में अगर आप गोवा से केरल और जयपुर से जोधपुर की मारामारी से बचना चाहते हैं तो आपके पास एक से एक अच्छे ऑप्शंस हैं। ट्रैवल ऑपरेटर्स तो ये सलाह दे रहे हैं कि ट्रेडिशनल जगहों की बजाय नए डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करके आप पैसे भी बचा सकते हैं। दिल्ली के संदीप अपने दोस्तों के साथ नए साल का स्वागत गोवा में करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि दिल्ली से गोवा के लिए 29 दिसंबर का एक और का सबसे सस्ता हवाई टिकट लगभग 13,000 रुपए का है तो उनका प्लान बिगड़ गया। यही नहीं, वहाँ के 5-स्टार होटलों के रेट्स में भी आग लगी है। तभी देख रहा हूँ कि सारे होटल्स के होटल पूरे के पूरे फुल हैं, कहीं भी हमें जगह नहीं मिल रही है। इसके साथ चूंकि गोवा का काफी ट्राई किया तो फ्लाइट्स वगैरह भी इन लोग बता रहे हैं कि सारे के सारे सोल्ड आउट हैं। किसी भी इकोनॉमी टोटल्स और बिजनेस क्लास में कुछ सीट्स हैं तो काफी एक्सपेंसिव हो जा रहा है हम लोगों के लिए। ट्रेवल एजेंट संदीप जैसे लोगों को अब कई ऑप्शन सुझा रहे हैं और उनमें सबसे हॉट है कश्मीर। कश्मीर का ऑप्शन है जो जहाँ पे बहुत कुछ रश नहीं है और जहाँ पे एक इकोनॉमिकल पैकेज मिल सकता है। कुमाऊं के हिल्स में जो ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं जैसे रानीखेत है, अल्मोड़ा बिनसर है, मुक्तेश्वर है, कसौनी है, वहां जा सकते हैं। कश्मीर के अलावा उत्तरांचल में नैनीताल, कौसानी और नॉर्थ ईस्ट में गैंगटॉक जैसे डेस्टिनेशंस के अलावा राजस्थान में रणथंबोर और माउंट आबू जैसी जगहों के पैकेज भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। अलग अलग पैकेज की बात करें तो एक कपल के लिए कश्मीर का 3 रात और 2 दिन का पैकेज 44,000 से 50,000 रुपए का है। नैनीताल का ऐसा ही पैकेज 22,000 रुपए का है। गैंगटॉक का पैकेज भी 25,000 रुपए से कम का मिल जाएगा। ये रेट्स 4 और 5 स्टार होटलों के हैं और इनमें ट्रेवल का खर्च शामिल है। एडवेंचर के शौकीन कपल रणथंबोर में 3 दिन और 2 रात होटल के हिसाब से 9,000 से 25,000 रुपए में बिता सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये पैकेज परंपरागत डेस्टिनेशन से सस्ते में मिलेंगे और आप भीड़ से भी बच जाएंगे। इसके अलावा आप इतने खर्च में विदेश में भी नए साल का स्वागत कर सकते हैं। हम 20,000 के अंदर 3 nights 4 days का पैकेज इंक्लूडिंग एयर फेयर हम श्रीलंका के लिए देते हैं। तो एक तो श्रीलंका जा सकते हैं लोग, श्रीलंका के अलावा आप थाईलैंड जा सकते हैं, मलेशिया जा सकते हैं, सिंगापुर जा सकते हैं, दुबई भी 2-4 हज़ार ऊपर और डाल के दुबई भी जा सकते हैं। दरअसल इस समय तक ज्यादातर ट्रेडिशनल डेस्टिनेशंस में होटल बुक हो चुके हैं। इन जगहों के सारे सस्ते टिकट बिक चुके हैं और महंगे टिकट भी आसानी से नहीं मिल रहे। यहाँ तक कि रेलवे की बुकिंग मिलना भी मुश्किल है। इन वजहों से टूर ऑपरेटर से लेकर ट्रेवलर्स तक के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो दूसरी कैटेगरी के डेस्टिनेशंस को भी एक्सप्लोर करें। अभिजीत द्विवेदी, दिल्ली। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़।